ओम शांति। आज है 9 दिसंबर 2022। आज की वाणी का सार, मीठे बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। प्रश्न, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या? बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या? उत्तर में बाबा बोले, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी, यह आज ही बता दें। बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी, यह आज ही बता दें। अगर बतला दें तो ड्रामा रियल ना रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़ें, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। बाप की याद में शरीर छोड़ें, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया है। तुम भी कहते हो ओम शांति, अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा, पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर। तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, मेरा स्वधर्म है ही शांत, और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम, शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। बाप भी कहते हैं ओम शांति, मैं भी परम आत्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यहाँ शरीर धारण किया है पाठ बजाने, फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए धक्के खाते रहते हैं मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्म इंद्रियां जरूर काम करेंगी, कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है, तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है समझने की, आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, बाकी क्या चाहिए, कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है, अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परमपिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं, यह तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, न कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, फिर भी बाहर वालों को, कहाँ किसको, बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़े ही मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं। रुद्रमाला भी कहते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही यह ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान होता है, परंतु वह है व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अकलमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, यह पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है।
बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है। बाप क्या है? ज्ञान का सागर है, उनको सब नॉलेज है। सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग राइट झूठ सच क्या है वह मैं समझाता हूँ, अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना यह सच है? बाबा पूछ रहे हैं, अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना यह सच है? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके, पुरुषार्थ हो न सके। सर्वव्यापी होकर क्या करे, खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता नहीं, वह तो जब चाहे तो वापिस चला जाए। यहाँ तो पतित है इसलिए वापिस कोई जा न सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, याद भी जरूर करना है। बाप के बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते, ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं, नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहाँ से होकर आते। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से। तुम जब सत्युग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे। तुम जब सत्युग में हो तब क्या होगा? तब इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसकी नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसको मिल ना सके। बाबा ने समझाया है, यह चाबी मैं किसको भी नहीं देता हूँ, इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूँ। तराजू इक्वल रखते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वह भी मूर्ति में थोड़े ही ताकत है। बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ, परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उल्टा ज्ञान ले लिया। वास्तव में सब ब्रदर्स हैं, सब में आत्मा है, सब फादर तो हो न सके। सभी आत्माएं पुकारती हैं, हे गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, फल चोला फीमेल का है, परंतु ये कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूँ। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, यह सब शरीर के धर्म है, आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है। तब कहते हैं यह मुसलमान है, यह हिंदू है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन, ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है, वह शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे, सो भी अभी। ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वो योग ही रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान, ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। बाप कहते हैं यह इन्हों का भ्रम है, पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है, बाकी वापिस तो कोई जा नहीं सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है, जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है, तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे।
क्या कहा बाबा ने कि सभी को सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना ही है, जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है, तो और सभी भी जरूर तमोप्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे, यह भी बुद्धि में रखा जाता है। तुम जानते हो हरेक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं, औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु जरूरत नहीं है, हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना है। तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना भव, मैं हूँ ही पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, न कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है, तब कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, जरूर कलयुग का अंत होगा, रोशनी है सत्युग में, बाप जरूर संगम पर आएगा। सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है, यह ज्ञान अभी मिला है, यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती। शांति धाम में ही शांति मिल सकती है, वहाँ तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है, उन्हों को न इतना सुख न दुख मिलेगा। यह है डिटेल की बातें, कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है वह भी काफ़ी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, कोई ने बाबा कहते हैं क्या कहते हैं कि कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है वह भी काफ़ी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे, जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है ना, प्रोजेक्टर पर समझाना सहज है, बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे उन्हों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यह भी नए तरीके निकल रहे हैं, अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो। क्या सुझाव दे रहे हैं बाबा कि अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो, यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे कि यह है भारत की फिलॉसफी। यह नॉलेज बाप ही दे सकते हैं, यह है रूहानी ज्ञान, रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो, बाप है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं, तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उन्हों का बहुत मान होता है, वह रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते हैं। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो, यह भी समझाया है, वह है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास, जो बेहद का बाप ही सिखलाते हैं, वह है हठयोग, यह है राजयोग। वो हठयोग से कर्मेंद्रियों को वश करने चाहते हैं, तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो। बहुत फर्क है, किसमें फर्क है, वे जो है वे हठयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हैं और तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो, बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए, यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है, आत्मा जानती है कि हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं हाँ बच्चे, हमने तो कहा था
यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, सत्युग में यह नॉलेज नहीं रहेगी, यह सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बना बनाया ड्रामा है, जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो, विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षात्कार होकर देखना है, साक्षी होकर देखना है, क्या कह रहे हैं बाबा, विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है, समझो कल अर्थक्वेक होती है तो ऐसे नहीं मैं बताऊंगा कि यह होना है, फिर तो सब प्रबंध कर लें, साक्षी होकर देखते चलो, मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे, तुम बच्चों को महावीर बनना है, महावीर महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है, गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं, पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक आदि होंगी उस समय महावीर पना चाहिए, अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े, और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा, जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे, बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। क्या कह रहे हैं बाबा कि अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा, जो ज्ञान में अचल अडोल रहेंगे वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे, बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है, जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाएं, कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है, एक बाप से सच्चा लव रखना है, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो इसका पूरा ध्यान रखना है, वरदान है मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। आज बाबा हमें कौन सा वरदान दे रहे हैं? परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। शरीर क्या है? शरीर मंदिर है, तो इसमें कोई भी अशुद्धता प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। ठीक है, यानी हम आत्मा जो है, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। स्लोगन है, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।